अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ मजबूरी, कुछ मसरूफियत के बावजूद मैं ये रेसिपी अपनी वीडियो नहीं डाल सकी, और मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे। और बिल्कुल मौसम के लिहाज से भी है, आजकल आपको पता है जैसे कि फाल से बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो ये मैंने जो रेसिपी बना रही हूँ वो फाल से का शरबत बना रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, मेरे काम में बरकत दे। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ। मेरे यूट्यूब फैमिली उस मेमरान और उसके अलावा भी तमाम लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और यही वजह है कि आज मैं बन के मेरा कब से हो चुका है माशाल्लाह, मेरे सब्सक्राइब भी 2500 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला आपके भी काम में बरकत दे, आमीन। अच्छा जी, अब मैं शुरू करती हूँ। हम लोग आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने फाल से लिए हैं, ये तकरीबन है 1.5 पाव फाल से। आजकल फाल से बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, खाते भी हैं हम लोग, और जूस ये भी बनाते हैं, इसका जूस बनाते हैं। तो ये फालसी का शरबत मैं बना रही हूँ, तो आप देखिएगा कि किस तरह से बना रही हूँ। सबको आता है ये मैं जानती हूँ, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये मैं सबसे पहले जो है ये इसके लिए मैंने ये लिया है, इसके अंदर मैं फालसों को जो है ये देखिए ये फालसे इसमें डालूँगी, ठीक है। ये देखिए ये फालसे मैं डाल रही हूँ इसमें, ये तमाम फालसे मैंने इसमें डाल दिए। अब इसके अलावा अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करती हूँ। और आप लोग जो है मेरा जो चैनल है मेरा वक्त ताना किचन के नाम से है, और आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको, और फिर मुझे बताइएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा जिस तरह से आप पहले से देखते आए। अच्छा, ये मैं फालसे जो है ना ये ग्राइंड करूँगी, और इसके साथ ही शक्कर भी डालूँगी, और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। थोड़ा सा पानी जो है इसमें मैं डालती हूँ, ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और फिर उसके बाद ये शक्कर इसके अंदर घुल जाएगी। वैसे तो मुझे पीसना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस वक्त अवेलेबल नहीं थी शक्कर पीसी हुई, तो ज़ाहिर है ये करना तो था मुझे ये, ठीक है। ये मैंने शक्कर डाल दी। अब इसको मैं ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर, पानी में थोड़ा पानी डालती हूँ मैं, थोड़ा सा। ये मैंने थोड़ा पानी डाला है, और शक्कर का पानी भी निकलेगा इसमें, और इसके बाद मैं इसको ऑन करूँगी। आप ये देखिए, ये मैंने ऑन किया है, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा जो चैनल है वो मुनव्वर सुल्ताना किचन के नाम से है, और आप लोगों के बड़े ताउन है इसमें, मेरा पूरा का ताउन है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए मैंने ये जो रेसिपी है ये शुरू की थी फालसे का शरबत, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैं है तो अब इसको फालसे जिसने ये मैंने ये ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है। अब इसको मैं छानूंगी। छानने के लिए मैं आपको एक छन्नी लेती हूँ, और छन्नी जो है ये देखिए मैं ये छान रही हूँ इसको। अब क्योंकि इसमें गुठलियाँ पिस चुकी है ना, तो अब मुझे छानना इसका बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये देखिए, ये
कोशिश करते हैं कि तमाम इसका जूस पूरा पूरा मैं निकाल लूँ। देखिए आप लोग जो है मेरे चैनल को देखिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि तमाम जो मेरी रेसिपी है ना तो आप सबसे पहले आपको नज़र आए और आपको दिखे। सही है, ये देखिए कितना निकल गया है। ये थोड़ा सा मैं और पानी डालूंगी ताकि आराम से निकल जाएगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है। तो एक तो ठंडा होता है, गर्मी के मौसम के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। दूसरे ये कि बहुत जल्दी बनने वाला है। ये पाँच से सात मिनट मैंने इसको ग्राइंड किया था। पाँच से सात मिनट ग्राइंड किया था मैंने। अच्छा अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। वेलकम मुनव्वर सुल्ताना किचन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी देर तक इसको देखा, और ये बिल्कुल कंप्लीट जो है वो बन चुका है। और कितनी जल्दी बनाए ये आपको अंदाज़ा इसका हो रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े शौक़ से इसको देखेंगे, बल्कि गौर से देखेंगे, क्योंकि देखिए आजकल फारसे भी बहुत अच्छे सस्ते भी आ रहे हैं और सब लोग बना सकते हैं आराम से। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि किस तरह का बना। और शक्कर जो मैंने डाली थी वो शायद उसकी क्वांटिटी आपको नहीं बताई थी, तो ये चमचा जो सालन का चमचा होता है ये मैंने चार चमचे लिए थे, और डेढ़ पाव जो है वो मैंने फारसे लिए थे, बाकी थोड़ा सा पानी मिलाया था, ठीक है। और मिठास में बिल्कुल सही आया है ये। तो ये देखिए आखिर में मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को देख के ज़रूर इसमें आप फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह का आपको लगा। और जहाँ भी आप लोग रहें खुश रहें, अल्लाह आप लोगों को भी तरक्की दे, और आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।